नगर परिषद पलसुद के कर्मचारियों की मनमानी जारी है। परिषद में आए दिन आम जन परेशान हो रहे हैं, तो दूसरी ओर परिषद के कर्मचारी एक एक बजे तक नहीं पहुंचते। नगर परिषद में सबसे ज्यादा कार्य इस समय राजस्व विभाग में है, किंतु राजस्व विभाग के प्रभारी अश्विनी शर्मा प्रतिदिन एक बजे से पहले कार्यालय नहीं पहुंचते, जिससे सैकड़ों लोगों को आए दिन परेशान होकर सरकार की लचर व्यवस्थाओं को कोस रहे हैं। वहीं नगर परिषद बनने के बाद आज तक यहां विधिवत किसी की नियुक्ति नहीं हुई है। जिन लोगों को यहां भर्ती किया गया है, वो सब बगैर किसी नियमानुसार नियुक्ति की गई है। अस्थायी तौर पर नियुक्त कर्मचारियों की भी यहां राजस्व जैसे बड़े बड़े प्रभार सौंपे जा चुके हैं, जिससे यहाँ धांधलियां भी बहुत हो चुकी है। नगर की बेसकीमती सरकारी भूमि पर फर्जी प्रमाण पत्र जारी हुए हैं और उन्हीं फर्जी दस्तावेजों के सहारे यहाँ सरकार की बेसकीमती भूमि की रजिस्ट्रियां भी को भी बेचा जा चुका है। साथ ही जहां पदस्थ सीएमओ की कार्यप्रणाली भी बेहद विवादित रही है, आए दिन सीएमओ की कार्यप्रणाली की शिकायतें की जा रही है। यहाँ पैतृक संपत्ति के नामांतरण भी नहीं किए जा रहे हैं, जिससे नगर की आम जनता परेशान हो रही है। बताया जा रहा है कि नगर परिषद में सीएमओ किसी भी नामांतरण पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सीएमओ राजस्व प्रभारी के काम नहीं करने की बात कर रहे हैं। नगर परिषद के सीएमओ ने खुद कहा कि राजस्व प्रभारी एक एक बजे तक कार्यालय में नहीं पहुंच रहे हैं और उनको कुछ बोलो तो ऊपर से अपने ऊपर बड़े बड़े लोगों का हाथ होने का रोब बताकर झाड़ते हैं। ऐसे ही यहां कोई भी कर्मचारी समय पर कभी नहीं मिलता, किसी प्रकार का काम यहां समय अवधि में नहीं किए जा रहे हैं। जल प्रभार वाले कर्मचारी का भी काम नहीं कर रहे हैं। नवीन कनेक्शन को लेकर बार बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं और जिम्मेदार कार्यालय में कभी नहीं मिलते। साथ ही यहां महिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पुरुष हैं, किंतु नगर परिषद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष की सीट एक साथ लगी हुई है। वहीं एक ही टेबल है पर बैठने को मजबूर है, जबकि सालों बाद भी यहां एक टेबल और एक कुर्सी की व्यवस्था तक महिला अध्यक्ष के लिए अलग से नहीं हो पाई है। सीआईडी न्यूज़ के लिए नेटवर्क ब्यूरो रिपोर्ट, बड़वानी।